दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए आईपीएल 2019 के 40वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन का स्कोर बनाया था। राजस्थान की तरफ से अजिंक्य रहाणे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में शतक जड़ दिया। रहाणे ने 63 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और 3 छक्कों की मदद से 105 रन की शानदार पारी खेली। तो वहीं टीम के कप्तान स्टू स्मिथ ने भी जबरदस्त पारी खेलते हुए 8 चौकों की मदद से 50 रन बनाए। वहीं स्टुअर्ट बिनी ने 13 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों की मदद से 19 रन बनाए और राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 192 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने ये मैच तूफानी अंदाज में जीत लिया। दिल्ली की तरफ से शिखर धवन ने शानदार पारी खेली। धवन ने 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से शानदार 54 रन बनाए। तो वहीं उनका साथ दे रहे पृथ्वी शॉ ने 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 42 रन बनाए। इनके बाद ऋषभ पंत ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और पंत ने 35 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से शानदार 78 रन बनाए और दिल्ली ने तूफानी अंदाज में राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से धूल चटा दी। आपको अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत की ये पारियां कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ज्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।